पर्यटन स्थल खजुराहो में वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खजुराहो को दी गई वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यटन के दृष्टिकोण से देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा खजुराहो को वंदे भारत एक्सप्रेस देने की घोषणा की गई थी। 12 मार्च की सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा न सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस बल्कि एयर कनेक्टिविटी एवं सड़क मार्ग को सुगम बनाकर पर्यटकों के लिए खजुराहो तक पहुँचाना बेहद ही आसान कर दिया गया है। वहीं रेलवे के माध्यम से भी देश के प्रमुख शहरों में भोपाल, इंदौर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बनारस, कानपुर सहित कई शहरों से खजुराहो को जोड़ा जा रहा है। खजुराहो सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का खजुराहो के पर्यटन को लेकर शुरू से ही फोकस रहा है। फिलहाल खजुराहो से दिल्ली के लिए प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस से न सिर्फ पर्यटन व्यवसायियों को लाभ मिलेगा बल्कि इस ट्रेन के संचालन से व्यवसायियों को व जनप्रतिनिधियों को भी दिल्ली आने जाने में सुगमता रहेगी तथा कुछ ऐसे यात्री हैं जिन्हें कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस में आसानी से रिजर्वेशन प्राप्त नहीं हो पाता, उनके लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस एक अच्छा विकल्प साबित होगी। खजुराहो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन छतरपुर के रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक द्वारा एक बार फिर से ट्रेन को छतरपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर छतरपुर के कई भाजपा नेता और छतरपुर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ट्रेनों का देश को समर्पित की है, उसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो लोकसभा को बुंदेलखंड क्षेत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान यहाँ पर कहा था, जनता को उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज आइकॉनिक सिटी को हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। आज ये नई सौगात मिली है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये रेल कनेक्टिविटी केवल मात्र ट्रेन की सुविधा नहीं है, ये विकास के नए आयाम खड़े करेगी। औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी ट्रेन का आना, हाईवेज के निर्माण के साथ खजुराहो बुंदेलखंड का कनेक्ट होना, एयर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में नई सौगातें मिलना, ये साबित करता है कि आगामी समय में अपने बुंदेलखंड में, खजुराहो के क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी और विकास को एक नए आयाम इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। ये छतरपुर टीकमगढ़ के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ आज हमारे शहर से यहां से होने जा रहा है। हिंदुस्तान के गिने चुने शहरों में वंदे भारत ट्रेन का चलना प्रारंभ हुआ है। हमारा ललितपुर से और खजुराहो तक का जो हमारा रास्ता था, ये रेल की सुविधाओं से वंचित था। मैंने यहां पर आने के बाद न केवल पदयात्रा की बल्कि यहां पर रेल लाइन बिछाने के लिए जो प्रयास करने जाने चाहिए थे वो सारे प्रयासों को आगे बढ़ाया और उसके बाद कितनी सारी ट्रेनें इस रेल लाइन से आज चलना प्रारंभ हुई हैं। और वंदे भारत ट्रेन नहीं चल सकती थी अगर इसका विद्युतीकरण नहीं हुआ होता तो उसके लिए फिर प्रयास किया गया। जबकि हमारे बाजू में मऊरानीपुर की जो रेल लाइन है, आजादी के बाद से कितने लंबे समय के बाद वहां पर विद्युतीकरण हुआ था, उसके लिए भी मैंने सांसद बनने के बाद जब लगातार प्रयास किए तब वहां पर विद्युतीकरण हुआ, दोहरीकरण हुआ। हमारे इस लाइन का भी आने वाले समय में उसका दोहरीकरण के लाइन का सर्वे का काम भी वो भी प्रारंभ हो गया है। और हमारा जो ललितपुर सिंगरौली बीच का ये कनेक्टिविटी हो जाने के बाद आगे आने वाले समय में और भी कई ट्रेनों की सुविधा का लाभ हमारे इस टीकमगढ़ छतरपुर इस ट्रैक के लिए मिलने वाला है। आज का दिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद से और सीधा वहां से देश के 10 स्थानों पर
वंदे भारत ट्रेन के लिए झंडी दिखाकर उन ट्रेनों का शुभारंभ वहां से किया जाने वाला है। हमारे छतरपुर में छतरपुर स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ छतरपुर में गुड्स सेट उसके निर्माण कार्य का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे छतरपुर में गुड्स ट्रैक का प्रारंभ होने के बाद टीकमगढ़ में प्रारंभ होने के बाद अब हमारे छतरपुर के किसानों का माल व्यापारियों के द्वारा छतरपुर से देश के दक्षिण में सुदूर राज्यों तक यहां से जाएगा और जिससे हमारे किसानों के साथ साथ व्यापार हमारे हमालों को हमारे ट्रांसपोर्टर्स को सब क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। यहां पर रेलवे की सुविधाओं के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम इस ट्रेन लाइन के माध्यम से किया जाने वाला है। यह जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन का छतरपुर से चलना, टीकमगढ़ से चलना, खजुराहो से प्रारंभ होकर ये ट्रेन जब दिल्ली जाएगी, मैं इसको आप इसको टाइम टेबल को देखना, टाइम टेबल में सुबह 6 बजे वहां से प्रारंभ होगी, दिल्ली से 12:30 बजे ये टीकमगढ़ आ जाएगी और 1:30 बजे छतरपुर आ जाएगी। यानी जहां हमको 12-13 घंटे लगते थे, 14 घंटे लगते थे, आज आधे समय में ये वंदे भारत ट्रेन की सुविधा प्रारंभ होने के बाद हमारे यात्रियों को कम समय में हम दिल्ली तक की यात्रा अपने गंतव्य स्थान पर कर सकेंगे। ये केवल ट्रेन की नहीं, इस ट्रेन में जितनी आज की तारीख में ये सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन अगर हमारे देश में कोई है तो वो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन। और इसमें सबसे बड़ी चीज है ये हमारे देश में स्वनिर्मित ट्रेन में इस ट्रेन को पूरी तरह से हमारे देश में बनाया गया है। पहले हम जब ट्रेनों की बात होती थी तो विदेशों से बहुत सारी चीजों को बुलाया करते थे, लेकिन आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए, यह वंदे भारत ट्रेन हमारे देश में पूरी तरह से बनकर देश के विभिन्न अंचलों से इसको प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे ट्रेन के लिए इस ट्रेन को प्रारंभ होने के अब इस ट्रेन में जब बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे वहां जाकर आप देखेंगे उसमें एक लीवर होता है, आप अपने पैर से उस लीवर को पुश करेंगे, ट्रेन की में बैठने की जो आपकी सीट है उस सीट को आप नीचे की तरफ भी मोड़।